भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा, लेकिन आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है, और भारत आज वैक्सीन के, वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। तो ये वैक्सीन की सच्चाई है, और भी अगस्त से बहुत इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपको मालूम है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो एक मई से कोटा दिया गया है 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए, उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। आज तक ये 20 करोड़ वैक्सीन जो दिए गए हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और वो पूरे मुफ्त दिए हैं। तो ऐसे में आज ये सवाल पैदा करना कि वैक्सीन क्यों नहीं होता, तो वैक्सीन हो रहा है और दिसंबर तक 216 डोसेस लगेंगे। जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। आखिर में मैं एक और कहना चाहता हूं, राहुल जी जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी इसी सप्ताह में एक एम्बुलेंस का उपयोग बलात्कार करने के लिए किया गया। अनेक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, एक एक हॉस्पिटल में 400 लोग मरे, वेंटिलेटर जहां ठीक तरह से चलाए भी नहीं और खोले भी नहीं। और अभी दो दिन पहले सबसे गरीब तबका धुमंतु जातिया, उनके झोपड़ियां भी गिराई, झुग्गी झोपड़ी गिराई। एक महिला सांसद रंजिता कोली, उस पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया और वो बच गई, लेकिन इससे इरादा साफ होता है। और क्यों उस पर खिलाफ ये था, रोष था, क्योंकि वो रोज 12-15 पीएससी में जाकर वहां लोगों की मदद करती है और वहां की स्थिति देखकर सुधार करने का भी प्रयास करती है और सुझाव भी देती है। तो ऐसा काम करने वाले पर हमला होता है, यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। बलात्कार इतने हुए, उसके गुनहगार सभी पकड़े भी नहीं गए, सजा होना तो दूर। और इसलिए राहुल गांधी, देश को उपदेश करने के बजाय आप राजस्थान और अपने राज्यों में देखिए, बाकी देश को विश्वास है कि दिसंबर तक 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये मिलेगा, पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ऐसे भयकारी भविष्य, ऐसे हमें समझना चाहिए कि उसके लिए वैक्सीनेशन का, भारत सरकार का कार्यक्रम सबसे रोबस्ट है और हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आज इतना ही कहना है। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से कुछ देर पहले ही जो सवाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर उठाए गए थे, इसकी स्पीड को लेकर उठाए गए थे, और यह हमला बोला गया था सरकार पर कि इसी तरह से अगर वैक्सीन लगती रही, वैक्सीनेशन चला इस रफ्तार से, तो दूसरी क्या तीसरी चौथी लहर भी आएगी। और प्रधानमंत्री को लेकर भी सवाल उठाया था, जिस तरह से सरकार काम कर रही इसी पर
प्रकाश जावड़ेकर ने ना जवाब दिया, ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर क्या हो रहा है इसे लेकर उल्टा सवाल राहुल गांधी से पूछा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।